हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस सप्ताह मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करने जा रही हैं। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप शुरू होने के बाद यह दूसरा बजट है। यह बजट ऐसे समय आ रहा है जब देश महामारी की तीसरी लहर से जूझ रहा है। इस कारण आम से लेकर खास तक इस बजट से बाड़मेर के लोगों को काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। बाड़मेर के लोगों को इस आम बजट से क्या उम्मीदें हैं कि बेरोजगार युवाओं को पचपदरा रिफाइनरी से रोजगार जैसे अवसर उपलब्ध हो। कोरोना महामारी की वजह से व्यापार पर असर पड़ा है, ऐसे में व्यापारियों को उम्मीद है कि इन बजट में जीएसटी को कम करके सरकार राहत दे। ना नाम बताएं, आगामी जो बजट होने वाला है उसमें स्थानीय उद्योग में महामारी के कारण उत्पन्न हुए संकटों को दूर करने के लिए बजट में आपको क्या उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं रखते हैं? सर, मेरा नाम जयप्रकाश शारदा है, मैं स्टेशन पे, मेरी शॉप है। स्थानीय उद्योगों के कारण जो अभी रोजगार पर संकट आ रहा है, बार बार लॉकडाउन वगैरह लग रहा है, इस कारण जो हमारे दुकानदारों का हालत खराब हो रही है। बार बार दो बार पहले हमने लॉकडाउन को देखा जिससे लगातार हमारा व्यापार बंद हो रहा है, और आज ऐसी स्थिति है कि अपने अभी भी आप मार्केट में मेरे साथ खड़े हैं, लगभग आधा घंटा वो कोई व्यापार दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। इस कारण हम लोगों के उद्योग धंधे वैसे ही ठप हो रहे हैं। बीच में जीएसटी के कारण भी हम लोगों, जब गवर्नमेंट 5-12% जीएसटी करने जा रही थी, जब से लोगों ने सुना, मार्केट में लोगों ने आना तक बंद कर दिया, और आज भी व्यापार बिल्कुल हमारा ठप चल रहा है। अब जो हमारे पास अब कल बजट आने वाला है, हम सरकार से अनुरोध करते हैं या हम ये चाहते हैं कि जो 5-12% का इन्होंने किया था इसको वापस बनाए रखे, 12% जीएसटी ना करे तो व्यापार चलेगा। वैसे भी महंगाई दिनों दिन हमारे यहाँ बढ़ रही है, जिसके कारण व्यापार घट रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, रोजमर्रा के खर्चे इतने हो गए। व्यापार अब आज के तारीख में दुकान के स्टाफ को तनख्वाह देना भी हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है कि हम तनख्वाह ज़्यादा दें उसको। बजट में रिफाइनरी को लेकर क्या उम्मीद है आपको? मतलब अगर हमारे यहाँ रिफाइनरी अगर लगी है, अगर हम रिफाइनरी को देखते हैं, अगर रिफाइनरी के लिए अगर बाड़मेर के लोगों को अगर उसमें वरीयता दी जाए, जो स्थानीय बाड़मेर के नियर बाय जो स्थानीय लोग हैं उनको उसमें रिफाइनरी में वरीयता दी जाए, जो यहाँ के लोग जिस प्रकार से जैसे अगर 10 पास है या उससे ज़्यादा पास है तो उनको उनकी कैटेगरी के अनुसार उसमें वहाँ रोजगार दिया जाए, जिससे वो अपना घर पाल सके। वैसे भी यहाँ के लोग बेरोजगार ज़्यादा है, बेरोजगार को जाकर रोजगार का मौका मिलता है और लोकल लेवल पे मिलता है, तो मैं समझूंगा ये कि बहुत बड़ी बात है। सर, कल बजट आने वाला है, अपना नाम बताएं और बजट में आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं रिफाइनरी को लेकर? सर, मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं यही चाहूँगा रिफाइनरी के अंदर जो भी है वो रोजगार, जो स्थानीय युवाओं को ज़्यादा रोजगार मिले, जो यहाँ के लोकेशन के उनको रोजगार, जैसे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी हम अपने तो जो स्थानीय लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाए कि भाई रिफाइनरी के अंदर बोले थे इनको ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाए। तो कोरोना महामारी के कारण जो धंधे में मतलब संकट उत्पन्न हुए उसको दूर करने के लिए आप बजट में अपेक्षा रखते हैं इस तरह से? बजट में जैसे कोई टैक्सेस में वगैरह में नए कर ना लगा कि जो पुराने कर उनमें थोड़ा कुछ रियायत दी जाए, कुछ व्यापारी वगैरह उनको भी ज़्यादा बेनिफिट मिले, बस ये उम्मीद रखते हैं। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।